देश भर में बड़वानी जिला एक ऐसा जिला बन गया है जिसके समस्त न्यायालय भवन ISO हैं। बड़वानी जिले के 3 न्यायालय परिसर सेंधवा, अंजड़, राजपुर को भी अब ISO अवार्ड मिल जाने से जिले के समस्त 5 न्यायालय परिसर ISO अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। जहां के समस्त न्यायालय भवन ISO अवार्ड प्राप्त है। जिला सत्र न्यायालय रामेश्वर कोठे ने प्राप्त जानकारी अनुसार उनके कार्यकाल में सर्वप्रथम सन 2018 में खेतिया न्यायालय परिसर को ISO अवार्ड मिला था, जिसके पश्चात सन 2019 में जिला न्यायालय परिसर बड़वानी ISO अवार्ड से नवाजा गया है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। ये जो 3 तहसीलों को अवार्ड मिला है, सेंधवा, अंजड़ और राजपुर, इसके पहले हमारे यहाँ खेतिया में 2018 में मिल चुका है सिविल कोर्ट खेतिया को। उसी से प्रेरणा लेके हमने फिर जिला न्यायालय बड़वानी के मुख्यालय पर ये प्रक्रिया अपनाई और 2019 में जिला मुख्यालय बड़वानी को अवार्ड मिला था तथा अभी इस महीने सेंधवा, अंजड़ और राजपुर को मिला है। देश का पहला, हाँ, मेरी जानकारी में जहाँ तक है यह देश भारत देश का पहला जिला है जिसमें जिला मुख्यालय सहित उसकी जितनी भी आउटलाइन की तहसील कोर्टें हैं सभी को ISO अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर, आप उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेज सभी को, हमारे जो न्यायाधीश है, हमारे स्टाफ के जो सदस्य हैं, इवन हमारे जो लिटिगेंट्स और जो एडवोकेट्स आते हैं कोर्ट परिसर में, वो हमारे डेकोरम को मेंटेन करते हैं, तो कुल मिला के ये सभी का योगदान है। मैं तो मापदंडों के आधार पर सही दिया जाता है। ये मापदंड वैसे तो साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो न्यायालय की फाइलें हैं, जो रिकॉर्ड रूम है, जो मालखाना है, उसमें सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना रहता है ताकि किसी भी केस की तुरंत जानकारी मिल जाए और अपने हाथ में वो केस आ जाए, तो इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और लिटिगेंट्स को तुरंत सहायता प्राप्त होती है। स्वच्छता भी इसमें देखते हैं, साफ सफाई का भी दिया जाता है? हाँ, साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब कोई गंदगी ना हो, कोई पिकदान ना हो, आसपास थूका हुआ ना हो, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। कौन सी संस्था है सर जिसने? ये राष्ट्रीय स्तर की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट करती है, उनकी टीम हमारे यहाँ आती है और निरीक्षण करती है, कुछ कमियां जो होती है तो वो बताती है और उनका निराकरण करने के लिए हमें समय देते हैं, तो उस समय सीमा में फिर हम उसका निराकरण करते हैं और फिर फाइनली आके ऑडिट करते हैं वो सभी सेक्शंस का, सभी विभागों का, उसके बाद फिर अवार्ड मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।